यस 7.4 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपके पास एडी मीडियन गिवन है, डी के मिड पॉइंट आपने निकाल लिए 7/2, 9/2। पी जो है इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, दैट इज डिवाइडिंग दिस मीडियन इन द रेशियो 2:1। आपने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे, दैट इज 11/3, 9/3, 3 आएगा रेशियो, तो सम करके 3 आएगा, 2+1 3, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो। अब आपको कहता है एक और मीडियन है जिसका नेम है बीई। ये जो है ये एसी को डिवाइड कर रहा है। अब ई क्या बन जाएगा एसी का मिड पॉइंट? ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या आ रहा है? ठीक है, अब यहां पर फिर से पॉइंट पी आ रहा है जो इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब आपने इस पी के फिर से कोऑर्डिनेट निकालने हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पी के दोबारा कैसे निकालने? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2। ठीक है, पी के ऊपर फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 × 5/2 प्लस 1 × 6/3, 2 × 3 प्लस 1 × 5/3, 5 प्लस ये आ गया 11/3, 11/3 सेम आ रहा है। पहले भी पी यही आ रहा था, दोबारा भी यही आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब सिमिलर वे में जैसे आपने एडी बनाया फिर बी, अब सीएफ बनाना है। ठीक है, बनाओ सीएफ बनाओ। सीएफ में क्या आएगा? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। बनाओ एफ मिड पॉइंट निकाल लो। एफ किसका मिड पॉइंट है? एबी का। करो फाइंड। हाँ जी बोलो, 5.7/2। अब यहाँ पे फिर से पी आएगा जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब फिर से पी के कोऑर्डिनेट निकालो, सेम आएंगे, सीधा ही लिख लो, सेम आएंगे 11/3, 11/3। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है फोर्थ पार्ट में, आपने ये सब कुछ कर लिया, एडी ले लिया, बीई ले लिया, सीएफ ले लिया। वो कहता है फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसका मतलब ये है कि आप किसी ट्रायंगल में कितने मैक्सिमम मीडियंस ड्रॉ होते हैं? 3, क्योंकि मीडियन जो होता है दैट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, और वर्टेक्स अब 3 है तो 3 ही मीडियन आएंगे, इससे ज्यादा आ नहीं सकते। ठीक है, परपेंडिकुलर कितने ड्रॉ हो सकते हैं? एक्चुअली परपेंडिकुलर जहां मर्जी ड्रॉ हो सकता है, जितनी मर्जी बार ड्रॉ हो सकता है। परपेंडिकुलर की ये कंडीशन नहीं है कि वो वर्टेक्स से ड्रॉ होता है। वर्टेक्स से कौन कौन ड्रॉ होता है? ऑल्टीट्यूड और मीडियन। तो इसलिए ऑल्टीट्यूड भी 3 बनते हैं, मीडियन भी 3 बनते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर तो जहां मर्जी जितने मर्जी बना दो, इस लाइन के ऊपर जितने मर्जी परपेंडिकुलर बना दो, इसका हाफ कर दो, फिर इसका हाफ कर दो, फिर इसका फिर से हाफ कर दो, करते जाओ जितने मर्जी बना दो। इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन एनी वेयर, बट ऑल्टीट्यूड और मीडियन आर ऑलवेज 3 इन केस ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल में ही बनते हैं और कहीं नहीं बनते। या किसी वर्टेक्स से जैसे कोई और फिगर हो 4-साइडेड, उसमें बन सकते हैं। जैसे आप सपोज करो क्वाड्रिलेटरल बनाते हो ऐसे करके, उसमें ज्वाइन कर दिया, बनेगा तो यहाँ पर ही ना, बनेगा ट्राइंगल में ही, लेकिन ये नहीं कि यहाँ से यहाँ बना दोगे, बनेगा तो कहीं पर भी, जैसे आपने ज्वाइन ऐसे बना दोगे या तो आप, ठीक है, तो ये बन जाएगा, लेकिन बनता वर्टेक्स से है। अब ये परपेंडिकुलर भी होगा और ऑल्टीट्यूड भी होगा, पर मीडियन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर जितनी मर्जी बार ड्रॉ कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर जो है अगर वर्टेक्स से ड्रॉ हो जाए ट्रायंगल के केस में, तो वो अपने आप ऑल्टीट्यूड बन जाता है क्योंकि वो वर्टेक्स से है। अब यहाँ पे आपसे कहता है आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो?
हमने इन तीनों ही केसेस में ये ऑब्जर्व करा कि जो पी पॉइंट है वो मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो कि किसी भी मीडियन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको 2:1 में डिवाइड करता है या 1:2 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कहीं यूज करना हो आप कर सकते हो। और जो वो पॉइंट है ना जो 2:1 में डिवाइड करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। इसका मतलब सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये सारी फिगर्स को, तीन फिगर बनाई हमने सेपरेटली, अगर हम तीनों ही फिगर को कंबाइन करके बनाएं, ये काफी ज्यादा हो गया ना, तो वैसे तो कंबाइन करके बनानी होती है लेकिन कंफ्यूजन होती है, इसलिए ये सेपरेटली फाइंड किया है सब कुछ। वैसे देखा जाए तो इसकी एक ही फिगर बननी चाहिए थी एबीसी की, ए डी बीई सी एफ, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पी। ठीक है, एंड एवरी टाइम दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, 2:1, 2:1। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड विच इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये जो याद रखना है, जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होता है ये मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। अब आपने यहाँ पे रिजल्ट लिखना है कि आपने क्या कंक्लूड किया, राइट डाउन, ये लिखा हुआ नीचे नोट में, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियंस, राइट डाउन, फोर्थ पॉइंट का आंसर है ये, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड विच डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, विच डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है, ये क्लियर है, ये सेंट्रॉइड की डेफिनेशन ही होगी एक तरह से। अब देखो जो फिफ्थ पार्ट है ना, अब वो वहां पे है डेरिवेशन। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में टोटल 4-5 फॉर्मूले हैं, 4 कर चुके हैं, ये लास्ट फॉर्मूला हम डिराइव करने लगे हैं फिफ्थ पार्ट जो है, कि सेंट्रॉइड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, हम ये फाइंड कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ वैसे क्या होता है। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम होता है, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट x1, ट्रायंगल का ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x1 + x2 + x3 / 3, कॉमा सेम फॉर y, y1 + y2 + y3 / 3। अब ये जो फॉर्मूला है ना सेंट्रॉइड फाइंड करने का, ये फॉर्मूला डिराइव करना है। अब जितना भी ये सब कुछ आपने नंबर्स को लेके किया है ना, अब यहाँ पे वो सारा कुछ x1 y1 x2 y2 लेके करना है फिफ्थ पार्ट में। अब सुनो क्या करना है, जितना भी कुछ आपने किया है सेम है, लेकिन बस नंबर की बजाय आपके पास ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, और ये फॉर्मूला आपने डराइव करना है पी पॉइंट के लिए। ठीक है, अब यहां देखो सेम है बिल्कुल, आप यहां से पहले एक मीडियन बनाओगे, एक मीडियन से काम चल जाएगा। यहां पर देखो एक मीडियन बनाई, इसका नेम है ए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, डी इसका मिड पॉइंट हो गया, ए डी इज द मीडियन, लिख लो ए डी इज द मीडियन, ए डी इज द मीडियन, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, डी क्या आएगा, इधर से x2 + x3 / 2 y2 + x3 / 2 y2 + y3 / 2, ये क्लियर है आपको, क्लियर है ये लास्ट, ठीक, कौन सा ये, इसका मिड पॉइंट, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब x1 y1 है लेकिन नाम इसका क्या, x2 y2, इसका नेम x3 y2, एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 + वाई कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास सम, ये इसका मिड पॉइंट आ गया आपके पास, x2 + x3 / 2
बाई टू प्लस बाई थ्री बाई टू क्या गया। अब आपने ये जो पॉइंट पी है ना, ये 2:1 में डिवाइड करता है, अभी हमने देखा। यहां से इस दोनों के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये रेशियो लेके किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पी के। ठीक है, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड है नहीं काम, बस खत्म ही है, समझ लो दो स्टेप में ही हो जाएगा सेक्शन फॉर्म। पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आप वैसे भी लिख सकते हो पी एक्स वाई, जैसे हम लिखते हैं वो भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। सेक्शन फॉर्मूला जरूर लिख देना पहले, फिर अप्लाई करते हैं। हम वर्बली अप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, टू को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू के साथ, फिर वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ। जब इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से टू, बस आ गया फॉर्मूला, कट गया तो आ गया फॉर्मूला बस। लेकिन हमने लिखना है एक स्टेप में, नहीं तो सीधा आंसर ही आ जाएगा। टू टाइम्स एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू प्लस वन टाइम्स एक्स वन अपॉन थ्री, ये क्लियर है, अपॉन सम ऑफ द रेशियो। अब सेम वाई कोऑर्डिनेट के लिए करना है यही काम, टू टाइम्स वाई टू प्लस वाई थ्री, क्या हुआ नहीं समझ आया? हाँ जी, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन सम ऑफ द रेशियो टू प्लस वन थ्री, ऐसे ही एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, यही लिखा है देखो, अपॉन सम ऑफ द रेशियो थ्री। ठीक है, टू से टू कैंसिल, क्या आ गया, एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन अपॉन थ्री, ये कैंसिल, वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई वन अपॉन थ्री। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्योंकि वो साइड बड़ी थी ना, तो मैंने बड़े वाला देख के टू लिखा था, वो कर लो, उसमें कह रहे हो आप, वो वाली फिगर जो लिखी थी, जो साइड बड़ी होगी, जो इस तरफ बड़ी थी ना बाइसेक करने में, वो बड़ी थी तो छोटी थी, तो बड़े वाली ऑब्वियसली टू आएगी, छोटे वाली वन आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगा, दिखाओ। आप कह रहे हो आगे टू आएगा पीछे, ठीक है फिर इधर ले लो, मैंने तो जहां पे ड्रॉ करके मेरे को लगा ये बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, आपको जहां लगे पहले टू फिर वन, ऐसे लिख दो। फिर ना पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम नहीं आता, ऐसे लिख कर आ रहा है, ऐसे लिख के नहीं आता, फिर ठीक लिखा था ना मैंने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना ऐसे देखो, जब मैंने बाइसेक्ट करा ना ऐसे लाइन, ऐसे बनाया ना जब, ये और ये, तो ये जो था ना इससे बड़ा था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा था, ऐसे ही होगा, ये बड़ा है ना, ये टू ये वन, ये बड़ा है ये टू ये वन, ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ऐसे लेके चलना है। ठीक है, जहां ज्यादा आएगा वहां ज्यादा रेशियो, जैसे लाइन डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन नहीं किया था ट्राइसेक्ट वाला, अब यहाँ पे वन था, अब यहाँ पे ये हटा दिया तो यहाँ रेशियो क्या आएगी, टू आएगी, तो जो बड़े, हाँ तो टू रेशियो वन हो जाएगी, जहां जिस साइड पे बड़ी साइड दिखाई देगी वो टू होगा। अच्छा, आप देखो ये हो गया आपका फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला कहीं यूज करना हो ना कर सकते हैं, ट्रायंगल के थ्री वर्टिसेस दे रखे हैं, कहेगा सेंट्रॉइड निकालो, डायरेक्ट यूज कर लो, सेंट्रॉइड दिया है, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, ट्रायंगल के थर्ड मिसिंग है तो भी यूज कर लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे, मंडे को होगा स्टार्ट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ईजी है, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन लेकिन ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। बस फॉर्मूले दो ही हैं वहां पे, ज्यादा काम नहीं है उसमें, लेकिन कैलकुलेशन है ज्यादा, दो ही फॉर्मूले हैं बस। ठीक है, चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर ड्रॉ करो पहले। है, हाँ हाँ, वहां तो इतना कुछ था, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ नहीं है कुछ भी, आप कहोगे बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन है कह दिया और कुछ नहीं, दो ही फॉर्मूले हैं, वो भी ईजी है लर्न करने में। चलो लिखो, फिगर बनाओ पहले तो अपने आप, आपके, हाँ वैसे ज्यादातर होगा सब में ही, अप्लाई सब पे होगा, आप देखोगे जितने भी वर्टिसेस दिए होंगे हमेशा नहीं ऐसा होगा, इक्विलेटरल कहीं पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2:1 वाला, सब ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है।
इक्विलेटरल तो पर्टिकुलर केस हो गया ना, उसपे तो होगा ही होगा, क्योंकि उस केस में ऑल्टीट्यूड मीडियन सब सेम होते हैं। क्या क्या हाँ, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर आप ड्रॉ करते हो, बीच में भी आ सकता है, ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, बन सकता है सेंटर में भी, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आप ऑल्टीट्यूड लेते हो तो ऑल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर आते हैं। मीडियन के केस में आई थिंक इनसाइड ही बनेगा, वही 2:1 वाला। कोई क्वेश्चन मिले तो करके देख लेना, कोई पर्टिकुलरली ना इस टाइप डाल के सर्च कर लेना अगर मिलता है कोई क्वेश्चन। तो देखो इधर लास्ट क्वेश्चन में आपको कहता है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल के वर्टिसेस गिवन है -1, -1, -1, 4, 5, 4 and 5, -1. PQR, S R the midpoints of these sides respectively. ठीक है, जो साइड पहले लिखी है उसका P, फिर Q, फिर ऑर्डर वाइज चलना है। साइड AB से स्टार्ट है तो AB से ही आपने स्टार्ट करना। ये मिड पॉइंट आ गए, हाँ जी, ये P, Q, R, S। कैसे फाइंड करेंगे P? मिड पॉइंट। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, R इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला y1 + y2 / 2। चलो करो फाइंड P, Q, R के पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार लिख दो, बाकी वर्बली कर लेना। अटेंडेंस लिख लेते आज की, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लिख लो आज की, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 पर चल जाएगा ना, रोल नंबर से 2, 3, 9, 24, 26, 32, 34, 37 अर्पित, अर्पित का नहीं पता, देख लो क्या रोल नंबर, लिख लो नाम, लिख लो 11, 25, सहज, सिमरलीन, तरुणदीप, 21, 22, कितने हो गए? 16 होने की। ये जो जपजोत और जपली नए क्लास नहीं अटेंड करते ना, आज इनको पता है ना पीटीएम है, एब्सेंट लगाना दोनों के, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएंगे, आते ही नहीं, कल भी एब्सेंट है, पर नहीं एब्सेंट लगाना आज, अपने अब ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, आराम से सारे मत बोलो, -1, हाँ जी, 5, 3/2, एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई, ये बोलो। ठीक है, चलो ये मिड पॉइंट आ गए। अब आपने ना ये देखना है कि ये जो फिगर बन रही है कौन सी फिगर है। याद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, कैसे चेक करते हैं सारी साइड्स की, क्या फाइंड करते हैं लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से, यहाँ पर भी वही करेंगे। याद है ना कोऑर्डिनेटरल चेक करने के लिए क्या करते हैं, पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर, आर एस, एस पी, पहले साइड्स निकालेंगे, अगर साइड से आइडेंटिफाई हो गया तो ओके है, नहीं तो फिर चलो करो साइड स्टार्ट करो। PQ फाइंड करो पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो पहले एक बार,
घर जाके ना मुझे एक बार कॉल करना पहले, ठीक है? कल की अटेंडेंस भी लिख कर मुझे कॉल करना, फिर बात करती हूँ, फिर भेजना अटेंडेंस, पहले मेरे से बात करना। कितने बजे पहुंच जाओगे? ठीक है, बस जाते सर मुझे कॉल करना जल्दी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आर्यांश? एक्स टू होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस अंडर द रूट पी क्यू फाइंड करो। हैं क्या पता नहीं मेरे को, आप बताओ क्या आ रहा है, वर्बली किया करो। अच्छा ऐसे नहीं, इन्होंने फाइंड नहीं किया, राहुल हुआ नहीं फर्स्ट, क्या आ रहा है पी क्यू? जपलीन अभी क्लास में थी, अब है ही नहीं जपलीन। रोल नंबर 17 है गुरसेवा का, भी आया पहले से शायद वेटिंग में। जपलीन भी आ गई, क्या आ रहा है किसका? रूट 61 अपॉन, तो रूट 61 अपॉन 2 हो जाएगा ना, 4 बाहर आके रूट 61 अपॉन 2। डेसिमल में मत करो दिविता, डेसिमल में कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमेशा फ्रैक्शन में लेना चाहिए। पी क्यू कितना आ रहा है भाई बोलो? रूट 61 क्यू आर बाय 4 बाहर आके आ रहा है, तो 2 हो जाएगा ना फिर, तो अगर अंदर है रूट के तो बाहर आ जाएगा। पी क्यू आर क्यू आर क्यू आर कितना आ रहा है भाई? हाँ सेम आएगा, क्योंकि वहां 3 था या -3 है, सेम आएगा रूट 61 अपॉन 2 आर एस। हाँ जी सेम आएगा रूट 61 बाय 2, वो भी सेम आएगा, सेम आ रही है सारी साइड्स, सो दिस कैन बी रोम्बस। अब क्या करेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो स्क्वायर, अनइक्वल है तो रोम्बस। चलो डायगोनल फाइंड करो, डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पी आर एंड एस की, एस की। चलो करो फाइंड, साकेत क्या हुआ, डाउट है क्या हुआ हिमांशु? नहीं तो 625/100, 25/10, 2.5। आपका नेम है धवनेश, फाइंड डायगनल्स
हो गया डायगोनल तो बता दो, 5 + 1 / 3/2 - 3/2 जीरो, 6 36 6 आ गया। ऐसा एस क्यू फाइंड करो, एस क्यू क्या हुआ है अरमान? किसने? 2 - 2 = 4 अनइक्वल है ना, डायगनल्स आर अनइक्वल, इट इज अ ऑल साइड्स इक्वल बट डायगनल्स आर अनइक्वल सो इट इज अ रोम। अब ये याद रखना कि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके फिगर बनी है ना, वो स्क्वायर भी बन सकती है, रोमबस। तो सब कुछ डिपेंड करता है डायगनल के ऊपर, तो सीधा डायगनल भी निकाल सकते हैं। ये ना कई रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, तो ये लर्न करने पड़ते हैं। अब ये चैप्टर हो गया, इसके भी एमसीक्यूज मैं आज आपको सेंड करूंगी, ठीक है? अभी हुआ है ना।